पटना में जो वायलेंस आपने देखी, जो हिंसा आपने देखी, उसके बाद पुलिस ने इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, पटना के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर बच्चे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, वहां पर रेड करनी शुरू कर दी है। ये लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप टाइम्स ऑन भारत पर देख रहे हैं। गुरु रहमान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर छापेमारी चल रही है। पटना पुलिस ने इंस्टीट्यूट में छापा मारा है। दानापुर में हिंसक प्रदर्शन को लेकर केस जो दर्ज हुआ है उसमें इस कोचिंग सेंटर का भी नाम है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त जहां पर कोचिंग सेंटर्स के ऊपर छापामारी कर रही है पटना की पुलिस। अब ये कोशिश करने में कि किस तरीके से क्यों इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई पटना और उसके आसपास के इलाकों में। मेरे सहयोगी साकेत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। साकेत, लगातार आप सुबह से बता रहे थे कि पुलिस वालों के निशाने पर कई कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, एक जो आपके पीछे है वहां पर पुलिस की टीम पहुंच गई है। देखिए बिल्कुल, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये गुरु रहमान है, उनका ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है और बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो इनके यहाँ पढ़ते हैं। बहुत ही फेमस टीचर है यहाँ पर और काफ़ी, आप देखिए ये जो पूरा इलाका है ये छात्रों का इलाका है, भिखना पहाड़ी का इलाका है। और याद होगा कब, जब पिछली बार रेलवे के एग्जामिनेशन के दौरान जिस तरह से जो RRB को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था, तो सबसे ज़्यादा हुड़दंग इसी इलाके में दिखा था। और वही ये इंस्टीट्यूट है वहीं पर, और वहाँ अभी पटना पुलिस पहुँची हुई है और यहाँ पर छानबीन चल रही है। चूँकि जो आरोप है कि गुरु रहमान ने एक वीडियो बनाया था जो वायरल हुआ है, उसमें उन्होंने जो प्रदर्शनकारी है उनको एकजुट कर रहे थे उस वीडियो के जरिए, और वो पुलिस के हाथ लगा है जो हमें जानकारी मिल रही है। और उसी आधार पर इनका FIR इनके ऊपर दानापुर में दर्ज किया गया है, और वहाँ के बाद यहाँ पटना पुलिस उनके इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुंची है और यहां पर छानबीन की जा रही है, उनसे बात की जा रही है कि आखिर उनकी कितनी संलिप्तता है इसमें। और बड़ा ये जो पूरा इलाका है वो मैं बार बार आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, ये छात्रों का इलाका है। हर जगह आप देखिए छात्र अभी भी जो बैग लटका के पढ़ाई लिखाई करने वाले जो छात्र हैं वहां आपको दिख जाएंगे इस सड़कों पर। साकेत, क्या आप कुछ छात्रों से बात कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ कहीं ना कहीं ये बात की जा रही है कि कुल मिलाकर ये साजिश भी हो सकती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि छात्रों को इसको लेकर गुस्सा नहीं है, अग्निपथ स्कीम को लेकर गुस्सा नहीं है, क्या कुछ लोगों से बातचीत हो सकती है? और मैं जरा पीछे जो आपके तस्वीरें हैं थोड़ा सा इनको और क्लोजअप में दिखाएं किस तरीके से पुलिस वहां पर रेड कर रही है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर तस्वीर हम सबसे पहले दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर देखिए जो CRPF के जवान है उनको लेकर पटना पुलिस यहाँ पर पहुँची है, क्या क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, छात्रों की तादाद इस इलाके में बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम होने करके यहाँ पर पटना पुलिस पहुँची है, जिसमें CRPF की टीम उनके साथ है और अंदर जो पटना पुलिस की टीम है वो पूछताछ कर रही है। और बड़ी संख्या में छात्र जो है वो यहाँ पर हैं, हालांकि जो CRPF के जवान है वो इन लोगों को यहाँ से हटा भी रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र पहुँचे हैं। मीडिया से ये लोग बात करने की अभी जब बात करने जा रहे हैं तो ये लोग कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थिति ये है कि जो गुरु रहमान जो एक बड़े शिक्षक हैं इस पूरे इलाके में, इनका काफ़ी ज़्यादा इनके छात्र हैं और उनके कोचिंग संस्थान पर इस तरह से छापा पड़ा है, और जो आरोप इन पर है कि उन्होंने एक वीडियो के जरिए छात्रों को मोबिलाइज किया है, उसके बाद पटना पुलिस ने दानापुर में इन पर FIR किया और उसके बाद अब इस पर छानबीन चल रही है, इस पर जाँच जो है करने के लिए यहाँ पर पूछताछ करने के लिए पटना पुलिस पहुँची है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए साकेत। तो पटना पुलिस ने अपना एक्शन शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस कोचिंग सेंटर की है जिसके ऊपर आरोप लगा था कि वहां पर जो कोचिंग सेंटर के संचालक हैं उन्होंने एक वीडियो जारी करके छात्रों को संगठित करने की कोशिश की, प्रदर्शन करवाने की कोशिश की। इन सब के पीछे कितनी सच्चाई है ये अब जाँच के बाद पता चलेगा, लेकिन इसमें कहीं भी ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसा नहीं है कि छात्रों के बीच में गुस्सा नहीं है, सरकार अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है। लेकिन सवाल फिर घूम फिर के वही आता है कि ये कोशिशें कोई भी स्कीम लाने से पहले क्यों नहीं हो जाती? 2 साल से 3 साल से जो छात्र इंतजार कर रहे थे भर्ती का, अब उन जिनका मेडिकल हो गया, जिनके डॉक्यूमेंट सारे जमा हो गए, अब उन्हें कहा जा रहा है फिर से लाइन में खड़े हो जाइए और तैयारी कीजिए अग्निवीर के थ्रू फौज में जाने की। चलिए आगे बढ़ते हैं।